अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेजेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक हेयर्स की ग्रोथ के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, और अपने हमारे हेयर्स की जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो इस हमारी रेमेडी से जो है वो दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी वीडियो एक मैंने आपके लिए बनाई है, तो मैंने अपने लिए ये तैयार करना था, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ और आपको ये सब कुछ बताऊँ, तो वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और बताते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे ये जो पड़ा हुआ है बाउल, इसमें ये देसी घी है। तो इस रेमेडी में मैं देसी घी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ क्लोज करके फ्रेंड्स, ये मेथी दाना है। मेथी दाना जो है ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ही इसके फ़ायदे हैं हमारे बालों को। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है बादाम। और बादाम तो आपको वैसे भी पता फ्रेंड्स कि हमारे याददाश्त भी कितनी तेज़ करते हैं, वैसे भी हम इनको पानी में भिगो के खाएं वो भी उसके लिए भी कितने फ़ायदेमंद हैं। और उसके अलावा भी इसके बादाम के जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है वो तैयार कैसे हो गई है मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बालों में हेयर फॉल होता है और भी मतलब हमारे बालों के जो जो भी मसले मसाइल हैं वो सब इस वीडियो को देखने के बाद आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो ज़रूर देख के तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक जो है पैन ले लिया है और अब इसमें मैं ये आपके सामने फ्रेंड्स, मैं इतना ज़्यादा नहीं ये बनाऊंगी क्योंकि आप पहले थोड़ा सा बना के तो यूज़ करके देख लें, अगर आपको ये अच्छा लगे तो फिर आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि देसी घी की स्मेल जो है वो कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो ज़्यादातर तो ये जो जिनके ज़्यादातर लोगों को इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसमें बादाम और मेथी दाना डालने के बाद ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कितना मुझे डालना है। ये तकरीबन ये हमारा जो टेबल स्पून है ये हम 2 से 3 टेबल स्पून डाल लेंगे, जो खाने वाला हमारा चम्मच होता है वो। तो ये हम अब साइड पे कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो हमने बादाम लिए हैं, सिर्फ 4 से 5 तक हमने बादाम लिए हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। 5 तक ये बादाम है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक साइड पे रखा है, फिर जब मैं तैयार करूँगी फिर भी मैं आपको बता दूँगी। और ये मेथी दाना जो है वो भी मैं आपको दिखा रही थी कितना ऐड करना है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने मेथी दाना डालना है, ये भी मैं एक साइड पर डालती हूँ। ये तकरीबन 3/4 या हाफ से थोड़ा सा कम जो है वो हम डाल लेंगे इसमें। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ ये सब चीज़ें कितनी कितनी मिकदार में मैंने ली है। तो फ्रेंड्स, अब इसको मैं तैयार करूँगी, तो इसको मैं चूल्हे पर रख लूँगी और इसको अच्छे से गर्म करूँगी तब तक के जब तक ये बादाम जो से इनका कलर जो है वो ब्लैक ना हो जाए, इनका बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाएगा कि इनका सारा असर जो है वो देसी घी में निकल जाए और ये जो मेथी दाना है वो भी अच्छे से इसमें जो है ब्लैक हो जाए सारा, मतलब दोनों चीज़ें जैसे मतलब जलानी होती है हमने वैसे जल जाए इनमें ये दोनों चीज़ें। तो फिर जो इसको हम छान लेंगे छन्नी के साथ और फिर वो जो देसी घी होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे अपने बालों में। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पैन को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि वो मतलब एक साइड पे करके बिल्कुल सीधा हम इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर वो अगर हम सीधा रखेंगे तो फिर सारा जो है वो दूसरी जो चीज़ें हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा वो नीचे ही बैठे रह जाएंगे, तो ऐसे इसमें अच्छे से डिप हो जाएंगे ये। तो इसको हम अच्छे से अब ऐसे ही पका लेंगे, तो फिर बाद में आपको ये जब पक जाता तैयार हो जाता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये बिल्कुल इसमें जो है ये जल चुके हैं हमारे बादाम भी और ये जो हमने मेथी दाना डाला था वो भी, तो इनका सारा असर जो है वो इसमें निकल चुका है और इसकी रंगत भी ये देखे तब्दील हो गई है। तो फ्रेंड्स हमें अब सिंपली करना ये है कि हमने इसको छन्नी से छान लेना है और किसी भी जार में या किसी बोतल में, शैम्पू वाली कोई बोतल खाली हुई हो उसमें हम इसको जो है स्टेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स नहाने से हमने तकरीबन 30-40 मिनट्स में जो है उसको इसको अप्लाई करना है अपने सर पे, तो अच्छे से हमने इसको जड़ों में लगाना है। तो लगा के तो फ्रेंड्स इसको हमने 30-40 मिनट्स के लिए छोड़ देना और फिर हमने सिंपली जो है शैम्पू के साथ अपने बाल जो है वो शैम्पू कर लेने हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हम हफ्ते में 3-4 बार आप करें इसको पहले और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार कर लिया करें। तो फ्रेंड्स इसका आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है क्योंकि ये आपको पता है कि कुदरती चीज़ें हैं, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। देसी घी भी असली वाला हमने लिया है और बादाम जो है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारी बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी और जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और अगर गंजा पाना है किसी को, मतलब बाल बिल्कुल आते नहीं है, गंज पड़ने लग जाता है बालों में, तो वो भी इससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स आप आजमा के देखें, 2-3 बार के इस्तेमाल में आपको इसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप इसको यूज़ करके और मुझे कमेंट में बताना कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला। और के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।